नमस्कार, मैं हूं आपका आर्यमा। मैं आज आपको आधार कार्ड धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी देने आया हूं। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप आधार कार्ड धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी महत्वपूर्ण बात। भारत में बढ़ते डिजिटलाइजेशन के साथ डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी EPS डिजिटल भुगतान का एक लोकप्रिय माध्यम बन गया है। इसमें आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए सिर्फ आधार नंबर बायोमेट्रिक IRIS की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही इस पेमेंट में आपको उस बैंक का नाम भी डालना होगा जहां आपका बैंक अकाउंट है। EPS के माध्यम से भुगतान सुरक्षित करने के लिए UIDAI आधार ऐप पर आधार डेटा यानी बायोमेट्रिक्स को लॉक करने की सलाह देता है। हालांकि कई बार यूजर्स भूल कर जाते हैं, ऐसे में उनके EPS धोखाधड़ी का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को EPS स्कैम से बचाना चाहते हैं, तो बैंक द्वारा सुझाए गए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। बैंक कस्टमर केयर का संपर्क करें। अगर EPS द्वारा आपके अकाउंट में से पैसे निकाले जाते हैं तो सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म कीजिए। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए हर एक बैंक ने अपने खास नंबर जारी किए हैं। बैंक के द्वारा जारी किए गए नंबर पर कॉल करके आप बड़ी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। अकाउंट ब्लॉक करवाएं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपके खाते में आधार के जरिए फर्जी लेन देन हुआ है तो सबसे पहले आपको बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए और अपना खाता ब्लॉक कराना चाहिए। इससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर पाएगा। बैंक अधिकारी को धोखाधड़ी की जानकारी दीजिए। सरकार ने साइबर अपराध से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर जाकर आप 90 दिनों के भीतर धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा EPS फ्रॉड के मामले में आप UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in and contactsupport.html/uidai.gov.in पर जा सकते हैं। अगर साइबर क्राइम के जरिए पहली बार ₹10,000 ट्रांसफर किए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आपको इसके बाद आगे का लेन देन तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके लिए आप तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। तो अब आप आधार कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। हम आपसे दोबारा मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।